आपको बता दें कि सीबीआई ने गिरफ्तार डीएसपी को कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने कोर्ट में देवेंद्र कुमार की मांगी 10 दिन की रिमांड। सीबीआई ने ये रिमांड मांगी है, साथ ही साथ देवेंद्र कुमार से पूछताछ कर रैकेट का पता किया जाएगा। उगाही के धंधे में सीबीआई की ओर से कौन और अधिकारी शामिल है, ये सीबीआई ने कहा, इसकी पता लगाने की कोशिश की जाएगी और सीबीआई में किस तरीके से उगाही का धंधा चल रहा था ये भी जांच की जाएगी। कोर्ट में सीबीआई ने खुद विभाग में भ्रष्टाचार की बात मानी है और अब पूरे मामले में जांच की बात कर रहा है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारी संवाददाता सुचित्रा मुखर्जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुचित्रा, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, अब सीबीआई खुद कोर्ट से ये कह रहा है कि वो पूरे मामले में जांच करना चाहता है कि किस तरीके से पूरा धंधा चल रहा था। बिल्कुल, देखिए मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है लगातार। इसको लेकर जिस तरीके से जो दस्तावेज जो सबूत दिए गए हैं उसको लेकर सीबीआई ने खुद ही कहा कि जो गोरख धंधा अंदर चल रहा था, हम खुद ही चाहते हैं कि इसकी जांच हो, क्योंकि तमाम जो एविडेंस है वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। और ऑफिस में अगर बात करें, डीएसपी देवेंद्र कुमार की ऑफिस में भी तमाम चीजें पाई गई और घर पे तमाम जगह पर इन लोगों ने जो सबूत मिले हैं वो चौंकाने वाला है। हालांकि अगर बात करें तो यहाँ पर 10 दिन की रिमांड की यहाँ पर बात की गई है, लेकिन पीटी अभी तक जो ऑर्डर है वो नहीं आया है। ऑर्डर का बेसब्री से पटियाला हाउस कोर्ट में इंतजार हो रहा है कि ऑर्डर में क्या कुछ आएगा देवेंद्र कुमार की, अगर बात करें डीएसपी की। और वहीं दूसरी तरफ अगर दिल्ली हाईकोर्ट की बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका डाली गई थी राकेश अस्थाना जो निदेशक है उनकी तरफ से और डीएसपी देवेंद्र कुमार की तरफ से। तो राहत की खबर ये है राकेश अस्थाना की कि पुलिस फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। 29 अक्टूबर को इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई होगी। गुरुवार को तमाम जो दस्तावेज है वो सौंपने पड़ेंगे। तो अब ये देखना होगा कि क्या कुछ होता है। और हाँ, ये बात भी कही गई कि लैपटॉप और मोबाइल में जो भी एविडेंस है उसे नहीं डिस्ट्रॉय किया जाएगा, वो एज इट इज रहेगा, वो भी देखा जाएगा। तो काफी संवेदनशील ये पूरा मुद्दा होते जा रहा है, क्योंकि सीबीआई जो कि 1963 में जिसकी स्थापना हुई थी और तमाम जब तमाम सबूत और गवाह सब इधर उधर हो जाते हैं तब सीबीआई एक सहारा रहता है और सीबीआई जांच की यहाँ पर बात की जाती है। लेकिन सीबीआई की अगर सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स के नाम पर इस तरीके के एलिगेशन आ रहे हैं, आरोप आ रहे हैं और सबूत भी सामने आ रहे हैं, तो वाकई में बहुत ही ये जो पूरा मामला है संवेदनशील होता नजर आ रहा है। जी सुचित्रा, जिस तरीके से सीबीआई जो इतनी बड़ी जांच एजेंसी है जो खुद देखती है बाकी मामलों को, अगर उसी के अधिकारियों पर इस तरीके के आरोप लगेंगे तो जनता किस पर विश्वास करेगी? बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा सवाल होता है कि जनता किस पर विश्वास करेगी, ये समझना बेहद ही मुश्किल है। क्योंकि सीबीआई के ऊपर अगर ये बात आ गई है तो वाकई में जनता का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हर बात पे जब कहीं सबूत नहीं मिलते हैं, यानी कि पुलिस के पास जाता है, क्राइम ब्रांच के पास जाता है, तमाम एविडेंस के बाद, तमाम जो जांच के बाद सीबीआई का नंबर आता है। और सीबीआई के अगर यहाँ पर जो एक आइडेंटिफिकेशन है गुरदीन पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ये बहुत ही हैरानी वाली बात है, बहुत ही चौंकाने वाली बात है। लोग भी कहीं ना कहीं एक जो सीबीआई की जो प्रतिष्ठा है वो भी आप कह सकती है कि ताक पर है। इस समय बहुत ही स्थिति नाजुक है। अब देखना ये होगा कि क्या पटियाला कोर्ट का इस पूरे मामले में ऑर्डर आता है और क्या कुछ होता है। हालांकि अगर राकेश अस्थाना की बात करें तो 29 अक्टूबर तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी जो स्पेशल निदेशक है, और जो एविडेंस है उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। जी सुचित्रा, बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।